किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों ने अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल देना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। किसान होगा जब खुशहाल, तभी भारत बनेगा महान। अन्नदाता की खुशहाली को लेकर ऐसी बातें हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन देश में किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं रही है। देश का पेट पालने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है, कभी प्रकृति की मार तो कभी बाजार में फसलों का सही भाव नहीं मिलना, किसानों के सामने बड़े संकट के रूप में होते हैं। खेती किसानी घाटे का सौदा कहलाने लगा है, जिससे कई बार अन्नदाता अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर होते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं, लिहाजा उन्होंने किसानों के इस दर्द को महसूस किया है और पिछले 8 सालों में कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से आह्वान करते नहीं थक रहे हैं कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तौर तरीके से खेती किया जाना लाभकारी है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे बल्कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी की भी कम खपत होगी। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे, समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए, तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं, उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है, तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी, लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है, 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं, 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भरोसे पर उतरकर जो किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान को 5 लाख रुपए की नकद राशि दी जा रही है। इसी तरह 3-3 लाख रुपए के 2 पुरस्कार और 1-1 लाख रुपए के 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को दिए जाने वाले इस सम्मान के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच उन किसानों को प्रेरित करना है जो अभी भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। किसान के हित में योजनाएं बनाएंगे और डिपार्टमेंट अगर कहीं फेल है तो हम इनको पकड़ेंगे कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो, हो सकता हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी ज्यादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे, हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को, और उसमें भी हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था, उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था, और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। ऐसे कोई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने किसानों, अपने बराबर के किसानों की संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई इनाम मिला हो? एक आध को मिला है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, अभी 10-15 ही हैं। मैं कहता हूं सभी 550 जो उस लिस्ट में थे उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, हमारी आमदन तो है ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमदन घटेगी नहीं, उस प्रकार की खेती वो करना शुरू कर देगा। और प्रगतिशील किसान ऐसे ऐसे हैं
हमारे वो दादलू के, क्या नाम है दादलू वाले रणबीर सिंह, हरबीर सिंह बैठे हैं, हरबीर सिंह नहीं आए। हरबीर सिंह का कहना है कि मैं एक एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में, 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले, सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं, और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का कोई भी किसान प्रगतिशील किसान होने का गौरव पा सकता है, लेकिन प्रथम पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जिसके पास 10 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य जमीन है। द्वितीय पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 5 से 10 एकड़ खेती योग्य जमीन है। तृतीय पुरस्कार के लिए किसान के पास 5 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। जो किसान खुद को इस सम्मान का हकदार समझते हैं, हरियाणा सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाएं चलाई हैं। कई योजनाओं पर अभी काम जारी है। छोटे किसानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं पर किसान मित्र योजना के जरिए बड़े किसानों के साथ छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मार्केटिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो सके। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो खूब सेकी गईं, चुनावी दावे और वादे भी हुए, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश में कई ऐसे छोटे बड़े किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी को नुकसान का सौदा मान लिया था। साल 2014 में प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली और तभी से किसानों को समझाने का प्रयास जारी है कि अगर आधुनिक तौर तरीके से खेती की जाए तो कम जमीन से भी लाखों की कमाई हो सकती है। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है लो, ज्यादा से ज्यादा लो, अच्छी फसल लो, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय इनसे अपेक्षा की जाती है, रिसर्च करो, जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, MSP पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें MSP पर हमने घोषित की है। सेंटर तो दो चीजें खरीदता है, गेहूं और धान, गन्ना हमारी मिले ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें MSP घोषित की हैं। और अगर कोई फसल MSP पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से, और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और MSP का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी ताकि आपका MSP वो सुनिश्चित हो जाए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के जरिए एक योग्य किसान को अपने आसपास के 10 ऐसे किसानों को गोद लेना होता है जो कमजोर हैं और खेती की कम समझ रखते हैं। इन किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया जाता है। फिर ये सभी 10 किसान 10-10 और किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं। इसी तरह किसानों की एक चेन बनती जाएगी और एक किसान से दूसरे किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते जाएंगे। गोद लेने वाले किसानों को उनके कार्य के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में किसानों का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। लेकिन सरकारी मदद से एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एक मजबूत और सफल किसान को आर्थिक रूप से कमजोर और कम जानकारी वाले 100 किसानों को गोद लेना होता है। फिर उस किसान को आर्थिक रूप से मदद करनी होती है और ऐसा कर सभी किसानों को सफल प्रगतिशील बनाना होता है। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ प्रदेश के विकास को रफ्तार देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि मनोहर राज में अन्नदाता के हित में किस तरह के कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।